जयपुर, जिसमें जय मतलब महाराजा जय सिंह और पुर का मतलब है सिटी, तो जयपुर का नाम महाराजा जय सिंह के नाम पर पड़ा है, जो राजस्थान की कैपिटल है और पॉपुलरली पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये ना सिर्फ पिंक कलर बल्कि इंडिया की मोस्ट कलरफुल सिटी है, और हाँ, जयपुर फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया का डिस्टिंक्शन भी होल्ड करता है। ये ऐसा शहर है जो आपको वहाँ कदम रखते ही राजपूत एरा में वापस ले जाता है। जयपुर ट्रैवलर्स का एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ हर साल अक्टूबर से तो मार्च तक डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट काफ़ी भारी तादाद में विजिट करते हैं, क्योंकि जयपुर फेमस है यहाँ के ब्यूटीफुल फोर्ट्स के लिए, यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के ब्यूटीफुल लेक्स, ये सुंदर टेंपल, गार्डन्स, म्यूजियम, यहाँ का फूड एंड यहाँ का म्यूजिक और यहाँ का ट्रेडिशन एंड कल्चर के लिए जयपुर बहुत फेमस है। जयपुर ना सिर्फ एक सिटी है बल्कि आप यहाँ हर एक जगह इनकी हिस्ट्री को फील कर सकते हो। दोस्तों, क्योंकि जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, तो आप बाय रोड, एयर एंड रेलवे इजली जयपुर पहुंच सकते हैं। दिल्ली से जयपुर हार्डली 270 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने मेरी फ्लाइट पुणे से ली और बस 1.5 घंटे में पहुंच गया जयपुर। दोस्तों, अगर आप जयपुर में एक बजटेड होटल देख रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है होटल अरोमा क्लासिक, जो हवा महल से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक बजटेड होटल है जिसके मुझे देने पड़े पर डे के 2000 रुपीस। होटल के रूम्स का एम्बियंस काफ़ी अच्छा था और यहाँ के रूम्स काफ़ी स्पेशियस थे और होटल की सर्विस भी बहुत अच्छी थी। जयपुर घूमने के लिए 2 से 3 दिन काफ़ी है, और यहाँ विजिट करने के लिए बेस्ट सीजन विंटर रहता है। जयपुर में पॉइंट्स एक्सप्लोर करने के लिए आप यहाँ टैक्सी, ऑटो और बाइक्स भी हायर कर सकते हैं। आपको यहाँ इलेक्ट्रिक ऑटो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस और मेट्रोज भी मिल जाएगी। क्योंकि मैं अकेले जयपुर एक्सप्लोर करने गया था, तो मैंने ऑटो हायर कर ली, जिसके मुझे देने पड़े पर डे के 1500 रुपीस। डे 1 पर आप अल्बर्ट हॉल म्यूजियम एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, जयपुर में मैक्सिमम टूरिस्ट अट्रैक्शन पर टिकट लगती है, तो मेरा रिकमेंडेशन है आप यहाँ कंपोजिट टिकट खरीदें, जिसका कॉस्ट इंडियंस के लिए 400 रुपीस और फॉरनर्स के लिए 1000 रुपीस रहता है। ये टिकट 2 दिन तक वैलिड रहती है, जिसमें आप 7 to 8 पॉइंट्स घूम सकते हैं। इसका मतलब है हर एक पॉइंट पर आपको टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका टाइम सेव होगा। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर का ओल्डेस्ट म्यूजियम है। बिल्डिंग का डिज़ाइन सैमुअल जैकब ने किया था और 1887 में इसे पब्लिक विजिट के लिए ओपन किया गया था। म्यूजियम का नाम किंग एडवर्ड 7 यानी अल्बर्ट एडवर्ड्स के नाम पर रखा गया है। इस म्यूजियम में आप दीवारों पर ये खूबसूरत पेंटिंग्स, पोटरी ऑब्जेक्ट्स, स्कल्पचर्स, कार्पेट्स, स्टोन्स, वुडवर्क, ज्वेलरी और ऑल ओवर द वर्ल्ड के प्रीशियस आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं। ये म्यूजियम एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है इंडो सैरासेनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन का। आपको जानकर हैरानी होगी, इस म्यूजियम में एक 2400 साल पुरानी इजिप्शियन ममी भी यहाँ मौजूद है, जिसका नाम कभी टूटू रहा करता था। म्यूजियम का हर हिस्सा उस समय की एक अलग झलक देता है, जब इतने बड़े स्ट्रक्चर को तराशने के लिए मशीन्स का यूज नहीं होता था। इस म्यूजियम के ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, डिजाइंस दुखती ही आंखों के लिए इलाज है। ये म्यूजियम रात में चमचमाती लाइट्स में और भी खूबसूरत नजर आता है, जिसे आप रात में 7 से 10 के बीच भी विजिट कर सकते हैं। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम से 1 किलोमीटर की दूरी पर है सरगासली टावर, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
इसकी एंट्री पीछे वाले रोड से होती है। इसे आइसरलेट सरगासुली के नाम से भी जाना जाता है। इस टावर को टावर ऑफ हेवन भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1749 में राजा ईश्वरी सिंह ने राजा माधो सिंह पर अपनी जीत के बाद बनवाया था। इस 7 मंजिला मीनार को इसकी गोलाकार सीढ़ियों के लिए जाना जाता है। हर फ्लोर पर यहाँ एक दरवाजा है जो बालकनी की ओर खुलता है। टोटल यहाँ 264 स्टेप्स हैं। टावर के टॉप से विजिटर्स जयपुर सिटी का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। आकाश चूमती ये ऊंची मीनार जयपुर की जीत का प्रतीक है। जयपुर की आन बान और शान का प्रतीक की ये इमारत अपनी ऊंचाई, खूबसूरती और गौरवशाली इतिहास के कारण जयपुर के लोगों में प्रेरणा और गर्व को भर देती है। और रात में देखने पर ये मीनार अद्भुत नजर आती है। सरगासुली से 1 मिनट की दूरी पर आप हवा महल विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, जयपुर में मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल लैंडमार्क अगर कहा जाए तो वो हवा महल है, जिसे पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल की एंट्री साइड के रोड से होती है। टाइमिंग्स 9 से 5:30 और टिकट्स कुछ इस प्रकार है। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया था, जिसकी डिजाइन उस्ताद लाल चंद ने करी थी। इसे रेड एंड पिंक सैंडस्टोन द्वारा बनाया गया है। क्या आप जानते हो, हवा महल दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो बिना किसी फाउंडेशन से बनी है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इसके सामने अपनी फोटोज क्लिक करवाना पसंद करते हैं। हवा महल का डिजाइन हिंदू राजपूत आर्किटेक्चर के साथ इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड है। इस महल को ताज के आकार में बनाया गया है। कुछ लोग इस रूप की तुलना भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से भी करते हैं, क्योंकि महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। हवा महल की 5 मंजिलों में हर मंजिल पर एक मंदिर है। पहली मंजिल पर शरद मंदिर, दूसरी पर रतन मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है। हवा महल में टोटल 953 खिड़कियां हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी, इस 5 मंजिला इमारत में कोई सीढ़ियां नहीं है, बल्कि यहाँ रैंप बनाए गए हैं, क्योंकि राजपूत शाही महिलाओं की पालकियों को रैंप पर से ले जाना आसान था। उन दिनों में पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन किया जाता था, और शाही राजपूत महिलाओं को अजनबियों को चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं थी। यही कारण था महाराजा ने हवा महल का निर्माण करवाया, ताकि ये शाही महिलाएं हवा महल के खिड़कियों से नीचे की सड़क पर होने वाली दिन प्रतिदिन की गतिविधियों और उत्सवों को इन खिड़कियों से देख सकें, वो भी बिना किसी के सामने आए। दोस्तों, मानो या ना मानो, हवा महल का ब्यूटीफुल व्यू इसके आउटसाइड से ही देखने को मिलता है। आप चाहे तो हवा महल के सामने रोड क्रॉस करके काफ़ी सारे यहाँ कैफेज और रेस्टोरेंट हैं, आप चाहे तो इनके टेरेस पर जाकर इस ब्यूटीफुल व्यू को देख सकते हैं। यहाँ से हवा महल की फोटोज़ बहुत औसम आती हैं। हवा महल के मेन रोड पर आपको काफ़ी सारी खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी, और आप यहां से शॉपिंग भी कर सकते हैं। हवा महल जितना दिन में खूबसूरत दिखता है, उतना रात में बहुत जगमगाता नजर आता है, तो इसे आप रात में भी जरूर विजिट करें। हवा महल के बाद आप जंतर मंतर जा सकते हैं, जो 1/2 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है। यहाँ के टिकट्स 50 रुपये हैं, और एंट्री टाइमिंग सुबह के 9 से तो शाम के 5 बजे तक ये ओपन रहता है। दोस्तों, जंतर मंतर ये 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक कलेक्शन है, जिसे राजा सवाई जय सिंह ने 1734 में बनवाया था। ये जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है।
भारत में टोटल ऐसे 5 जंतर मंतर हैं जो दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में लोकेटेड हैं। पर जयपुर का जंतर मंतर की खास बात ये है कि ये एक आउटडोर ऑब्जर्वेटरी है, जहां सारे इंस्ट्रूमेंट्स किसी क्लोज बिल्डिंग या रूम में न होकर बल्कि ओपन स्पेस में हैं। जयपुर का जंतर मंतर एक स्टोन ऑब्जर्वेटरी है। मेटल जो है वो सीजन के हिसाब से श्रिंक और एक्सपैंड होता है, और स्टोन पर मौसम की मार का कोई असर नहीं होता। इनकी मदद से मौसम, लोकल टाइम, ग्रह नक्षत्र और ग्रहण जैसी घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर वृहद स्मारक यंत्र, ये दुनिया की सबसे बड़ी सन क्लॉक है, यानी धूप घड़ी है, जो टाइम कैलकुलेट करती है अप टू एक्यूरेसी ऑफ 2 सेकेंड्स। इसी प्रकार यहाँ ऐसे और इंटरेस्टिंग अलग अलग यंत्र हैं। तो अगर आप एस्ट्रोनॉमी एंड साइंस स्टूडेंट हैं तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है, क्योंकि ये सिंगल ऐसी ऑब्जर्वेटरी है जहाँ आप सन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आज भी वर्किंग कंडीशन में है और एग्जैक्टली वर्क कर रही है। इससे ये पता चलता है, इसे जंतर मंतर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जंतर का मतलब है यंत्र, मतलब इंस्ट्रूमेंट, और मंतर का मतलब है कैलकुलेशन, तो जंतर मंतर का मतलब है कैलकुलेशन इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, और मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप यहाँ के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से समझना चाहते हो तो आप यहाँ पर गाइड जरूर हायर करें। और यहाँ एक ऑडियो विजुअल हॉल भी है जहाँ जंतर मंतर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आप जंतर मंतर आफ्टरनून टाइम पर विजिट करें तो बेटर है, क्योंकि तब सन वर्टिकली हमारे ऊपर रहता है, जिससे आप इंस्ट्रूमेंट इंटरप्रिटेशन अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जंतर मंतर के एग्जैक्टली सामने है सिटी पैलेस, जिसका टिकट 200 रुपीज है। सिटी पैलेस को भी महाराजा सवाई जयसिंह ने 1727 में बनवाया था। ये पैलेस मुगल एंड राजपूत आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल फ्यूजन है, जहां आज भी रूलिंग रॉयल फैमिली इसके प्राइवेट सेक्शन में रहती है। पैलेस में मुबारक महल है, जिसे पैलेस ऑफ रिसेप्शन भी कहा जाता है। मुबारक महल को अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां आप रॉयल कॉस्ट्यूम्स जैसे पश्मीना शॉल्स, बनारस सिल्क साड़ी, यहाँ महाराजा सवाई माधो सिंह के कपड़े भी प्रेजेंट हैं, और यहाँ 15वीं शताब्दी के राजपूत हथियारों को भी डिस्प्ले में रखा गया है। सिटी पैलेस में दीवाने आम है, जिसे सर्वोत्तभद्र भी कहा जाता है। ये पैलेस का वो हिस्सा है जहाँ महाराजा द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करी जाती थी। फिर आता है दीवाने खास, यह शाही दरबार है जहाँ महाराजा अपने दरबारियों के साथ प्राइवेट सभा आयोजित करते थे। महल की छत को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। यहाँ आप 2 चांदी के गंगा जली देख सकते हैं। इनकी कैपेसिटी 4000 लीटर है, जिनकी प्लेस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आती है। कहा जाता है इसका इस्तेमाल महाराजा सवाई माधो सिंह ने इंग्लैंड की अपनी यात्रा के दौरान गंगा के पवित्र जल को ले जाने के लिए किया था, क्योंकि वे सिर्फ गंगा जल पीते थे। सिटी पैलेस में आप गाइड भी हायर कर सकते हैं, और पूरा पैलेस घूमने में आपको 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। कुछ भी कहो, सिटी पैलेस की सुंदरता से आप जरूर मंत्रमुग्ध हो जाओगे। जयपुर को मैं जान लिखूं या भारत का अभिमान लिखूं, लिख दूं जयपुर का चंचल यौवन, सपनों का मैं नाम लिखूं, लिखने को तो बहुत है लेकिन दिल ने मेरे यही कहा, वीरों के बलिदानों की गाथा, शेरों का सम्मान लिखूं। डे 1 का लास्ट स्पॉट आप राम निवास गार्डन विजिट कर सकते हैं, जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के पास ही लोकेटेड है। टिकट 10 रुपीज है और टाइमिंग्स 9 AM to 5 PM ये ओपन रहता है। गार्डन का निर्माण महाराजा सवई राम सिंह ने 1868 में करवाया था, जो टाइम टू टाइम रिनोवेट होता रहा है। इस ब्यूटीफुल गार्डन में आप एक पीसफुल वॉक ले सकते हैं। ये गार्डन काफी क्लीन था, लेकिन कुछ जगह मुझे प्लास्टिक रैपर्स दिखाई दिए, जो दूर से तो नहीं दिख रहे थे लेकिन प्लांट्स के पास जाकर दिख रहे थे, तो सोचा क्यों ना इस ब्यूटीफुल गार्डन को कुछ वापस दिया जाए। और इसी बीच मुझे गार्डन में यहाँ के लोकल ने भी हेल्प करी क्लीन अप करने में, और बस हम लग पड़े यहाँ का कचरा साफ करने में। दोस्तों, अगर आप कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस पे विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें आप अपना ट्रैश अपने साथ लेके जाएं, या फिर उसको उसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप करें, उसको यहाँ वहाँ बिल्कुल ना फेंकें।
ने मिलकर ये ट्रैश जमा किया और इसे इसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप किया। आशा करता हूँ आप सभी एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर हैं। जयपुर में शॉपिंग की बात करें तो आप किसी भी शॉप्स में से शॉपिंग कर सकते हैं। जयपुर बांधनी, कुर्ता, दुपट्टा, साड़ी, रजाई इत्यादि के लिए बहुत फेमस है। मैंने मेरे घर पर यूज होने वाली कुछ चीजें यहाँ से खरीद ली। दोस्तों, जयपुर नाइट में काफी जगमगाता नजर आता है और इसे अगर आपको और रंगीन बनाना है तो आप रात में चौकीदानी विजिट कर सकते हैं। चौकीदानी मेन सिटी ऑफ जयपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विलेज राजस्थानी कल्चर, फूड और ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, जो एक मस्ट विजिट है। यहाँ की एंट्री फीस 800 से तो 1200 रुपीस पर पर्सन रहती है। चौकी का मतलब है अच्छा और धानी मींस एक छोटा सा गांव, तो चौकी धानी का मतलब है एक छोटा सा अच्छा सा गांव। चौकी धानी अपने खाने और कल्चर के लिए मशहूर है। इस छोटे से गांव में आप ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक का आनंद भी ले सकते हैं। ये गांव आपको लैंप से सजा मिलेगा और आपको एक वाइब देगा, आप सच में किसी इतिहास से गुजर रहे हैं। यहाँ आप पपेट शो और मैजिक शो भी देख सकते हो और साथ ही साथ आप यहाँ कुछ गेम्स भी खेल सकते हो और यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। और यहाँ एक यूनिक सी दुकान है जहाँ आप चावल के ऊपर अपना नाम लिखकर कीचेन बनवा सकते हो। चौकीदानी अपने डिलीशियस फूड के लिए जाना जाता है। यहाँ के खाने में दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है और इसका टेस्ट बहुत औसम था, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। डे टू पर आप जयपुर के आसपास वाले ब्यूटीफुल फोर्ट्स विजिट कर सकते हैं, जैसे नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट हवा महल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पार्किंग 60 रुपीस और एंट्री फीस यहाँ की 50 रुपीस रहती है। ये फोर्ट अरावली हिल्स के एज पर लोकेटेड है, जिसका निर्माण 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा किया गया था। इस किले की खास बात यह है कि इसके इतिहास के दौरान इस पर कोई भी अटैक नहीं कर पाया है। किले के एंट्री में आप शीश महल विजिट कर सकते हैं, जो 25 मिलियन कांच के टुकड़ों का उपयोग करके बनाया गया है। इसका टिकट 250 रुपीस पर हेड रहता है और यहाँ एक वैक्स म्यूजियम भी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। किले की ओर जाते समय आपको राइट साइड में एक स्टेप वेल दिखाई देगी, जिसे बावड़ी कहते हैं, जिसका उपयोग उस समय में बारिश के पानी को कंजर्व करने में किया जाता था। इस किले का आर्किटेक्चर यूरोपियन और राजपूत स्टाइल है। एंट्री के दौरान यह माधवेंद्र भवन है, जो सवाई माधो सिंह ने 12 रानियों के लिए बनवाया था। इस किले को हॉन्टेड माना जाता था, क्योंकि किले के निर्माण के दौरान प्रिंस नाहर सिंह की आत्मा भटकती थी और इससे किले के निर्माण में बाधा आती थी। यह देख महाराजा सवाई जय सिंह ने राजकुमार को समर्पित मंदिर बनाने और उनके नाम पर किले का नाम रखने का वादा किया, इसलिए इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया और उसके बाद किले के निर्माण में कोई बाधा नहीं आई।
इस किले की डिजाइन कुछ इस तरह है, जब कभी राजा एक रानी के पास जाए तो दूसरों को इसके बारे में पता नहीं चलता था। आप इस किले के टेरेस पर भी जा सकते हैं और जयपुर सिटी का पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। इस किले पर कई सारी मूवीज की शूटिंग हुई है, जैसे रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस। और किले में एंट्री के पहले आपको खाने पीने की काफी सारी दुकानें मिल जाएगी। नाहरगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है जयगढ़ फोर्ट, जहां एंट्री फीस 150 रुपीज है और टाइमिंग्स 9 to 5 ये ओपन रहता है। जयगढ़ फोर्ट का निर्माण महाराजा जयसिंह ने 1726 में किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जयगढ़ किले का मतलब विक्ट्री फोर्ट भी है। इस किले में पहियों वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसे जयवाना तोप भी कहा जाता है। ये तोप 1720 में बनाई गई थी। इस किले की दीवारें रेड सैंडस्टोन से इंडो पर्शियन स्टाइल में बनाई गई हैं, जो काफी मोटी है। इस किले पर कभी कोई कॉन्कर नहीं कर पाया है और जयपुर का ये एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किला है। किले का निर्माण आमेर किले और उसके परिसर को दुश्मनों से बचाने के लिए किया गया था। किले की खिड़कियां कुछ इस प्रकार डिजाइन है। यहाँ से आप एक्सटीरियर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर देखा नहीं जा सकता। ये किला बहुत बड़ा है, इसलिए आप अपनी व्हीकल लेकर भी किले के अंदर जा सकते हैं। किले के परिसर में आपको एक शॉप और एक जयगढ़ कैंटीन भी देखने को मिल जाएगी, जहां आप पेट पूजा कर सकते हैं। किले में आर्मरी भी है, जहां युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुए शस्त्रों को आप देख सकते हैं। इस किले में श्री राम हरिहर जी और काल भैरव का मंदिर भी है, जहां आप दर्शन ले सकते हैं। ये शुभद निवास है, जिसे दीवाने आम भी कहा जाता था। यहाँ राजा जनरल लोगों के साथ में मीटिंग किया करते थे। और इसी के बाजू में है खिलबत निवास, जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है, जहाँ राजा कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स लिया करते थे। किले में ललित मंदिर, विलास मंदिर और लक्ष्मी विलास भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। किले में पपेट शो देखने का अपना अलग एक्सपीरियंस था। ये है भोजनशाला, जो उस जमाने के फूड कल्चर को दर्शाती है। जयगढ़ किले का निर्माण आमेर फोर्ट की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट को जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड पाथवे बनाया गया, ताकि हमले की स्थिति में लोगों को सेफली जयगढ़ फोर्ट तक पहुंचाया जा सके। किले के ऊपर चढ़कर आप आमेर फोर्ट, अरावली माउंटेन रेंज और मावता लेक का स्टनिंग व्यू भी देख सकते हैं। किले को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए 2 घंटे काफी है और यहाँ भी कई सारी मूवीज की शूटिंग्स हुई है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आमेर फोर्ट की ओर, जो जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप जयगढ़ फोर्ट देखने के बाद एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ के टिकट 100 रुपीज है और फोर्ट के टाइमिंग 9:30 से 5 बजे तक ये ओपन रहता है। आमेर ये एक पुराना ऐतिहासिक किला है, जिसका निर्माण 1592 में राजा मनसिंह द्वारा किया गया था। किले तक पहुंचने के लिए आपको 10 मिनट का ट्रैक करना पड़ेगा। किले का निर्माण रेड सैंडस्टोन और मार्बल से किया गया है। ये किला टोटल 4 कोर्टयार्ड यानी 4 आंगन में डिवाइडेड है। फर्स्ट कोर्टयार्ड में सूरज पोल है। सूरज पोल में एंट्री करके जालेब चौक पहुंचा जा सकता है। ये एक ओपन स्पेस है, जहां उस जमाने में सैनिक परेड किया करते थे। सेकेंड कोर्टयार्ड में दीवाने आम और दीवाने खास है। दीवाने आम में राजा कॉमन लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया करते थे और दीवाने खास में राजा के मिनिस्टर्स प्राइवेट मीटिंग्स किया करते थे।
कोर्टयार्ड में आपको शीश महल दिखाई देगा, जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट शीश महल है। इसकी पूरी कारागरी कांच से की गई है और इसके आसपास लाइट जलाने पर यह जगमगाता नजर आता है। फोर्थ कोर्टयार्ड में आप त्रिपोलिया गेट से जैसे अंदर जाओगे, आपको जनाना देवड़ी दिखाई देगी। ये रानियों की रहने की जगह थी, जहां राजा के अलावा कोई और नहीं जा सकता था। इस किले के ब्यूटीफुल व्यूज आप ऊपर जाकर भी यहां से देख सकते हो। इस किले में एक सीसीडी और कुछ शॉप्स भी है। एटीएम और वॉशरूम की फैसिलिटी भी आपको यहाँ मिल जाएगी। किले को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए 2 से 3 घंटे काफी है। आमेर फोर्ट से रिटर्न आते टाइम आप जल महल विजिट कर सकते हैं, जो मेन रोड पर लोकेटेड है। जल महल मतलब वाटर पैलेस, जो मनसागर लेक के बीच में बना है, लेकिन यहाँ अब एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है और आप इसे सिर्फ लेक के साइड से देख सकते हैं। डे 2 की नाइट पर आप जयपुर के स्वीट्स ट्राई कर सकते हैं, तो आप चले जाइए रावत कचौरी। यहाँ आप फीनी, चूरमा, घेवर, मालपुआ और भी बहुत सारे स्वीट्स ट्राई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप जयपुर आए हैं तो यहाँ से गजक अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। डे 3 पर आप मार्केट्स और टेम्पल्स विजिट कर सकते हैं। मार्केट्स की बात करें तो आप ज्वेलरी के लिए जौहरी बाज़ार, चूड़ियों के लिए त्रिपोलिया बाज़ार, ट्रेडिशनल जूतीज के लिए नेहरू बाज़ार और सभी प्रकार के जयपुरी आइटम्स के लिए बापू बाज़ार विजिट कर सकते हैं। बाज़ार घूमने के बाद आप सिसोदिया गार्डन जा सकते हैं, जो जयपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के टिकट्स और टाइमिंग्स कुछ इस प्रकार है। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह को अपनी दूसरी पत्नी उदयपुर की राजकुमारी के प्रति विशेष स्नेह था और उन्होंने अपनी प्यारी रानी के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में 1728 में बगीचे का निर्माण किया और अपनी प्यारी पत्नी को शाही दरबार की राजनीति और साजिशों से दूर होने के लिए उपहार में ये बगीचा दिया। इस गार्डन में आप पीसफुली अपना 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं। सिसोदिया गार्डन के बाद आप बिरला मंदिर जा सकते हैं। ये मंदिर मोती डूंगरी हिल के पास लोकेटेड है। इसे लक्ष्मी नारायण टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मंदिर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। मंदिर का निर्माण 1988 में बीएम बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया था, जो व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। बिरला मंदिर के सामने आप पंचमुखी मंदिर और मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप जयपुर में आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पार्लियामेंट, अमर जवान ज्योति, सेंट्रल पार्क, राज मंदिर, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जवाहर सर्कल और पत्रिका गेट भी घूम सकते हैं। और अकेले जयपुर घूमने का टोटल कॉस्ट मुझे 15,000 रुपये आया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।